हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। हाल ही में लाइब्रेरी वैकेंसी से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आपको लाइब्रेरी पोस्ट के साथ अन्य पोस्टें दी गई हैं। इसके लिए दोस्तों आपको आवेदन किस तरह से करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, फीस क्या रखी गई है, संपूर्ण डिटेल से जानकारी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और नोटिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको इंजीनियर की अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन कम्युनिकेशन इंजीनियर की टोटल 5 पोस्टें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की 5 पोस्टें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की टोटल 3 पोस्टें दी गई, सिविल इंजीनियर की यहाँ पर आपको 1 पोस्ट दी गई है। इस हिसाब से दोस्तों आपको इंजीनियर की अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, सभी के लिए आपको यहाँ पर पदों की संख्या अलग अलग दी गई है। 9,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो क्वालिफिकेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान की टोटल 2 पोस्टें दी गई हैं। इसके लिए आपकी सैलरी 9,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री होना चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ओनली फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट का डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो वह कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का डिप्लोमा या डिग्री 3 साल से कंप्लीट हुए 3 साल से कम है तो वह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने हाल ही में अपना जो डिप्लोमा है कंप्लीट किया है वह स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी ओनली फ्रेश कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिशियन कंप्यूटर और सिविल इंजीनियर की अलग से पोस्टें दी गई हैं, जिसके लिए आपकी 8,000 रुपये सैलरी रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्यूटर की अलग पोस्टें दी गई हैं, टोटल 23 पोस्टें दी गई हैं, जिसके लिए 8,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रखी गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको आवेदन किस तरह से करना है तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों इनके ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 13 मई 2023 से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 2 जून 2023, उससे पहले आपको आवेदन करना होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आवेदन करते वक्त अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक भरें, ताकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी जानकारी जारी की जाती है वो आपको मेल या SMS के द्वारा दे दी जाएगी। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको शॉर्टलिस्ट किए गए विद्यार्थियों से मेल द्वारा बुलाया जाए, इसके बाद में आपका इंटरव्यू हो सकता है या डायरेक्ट आपका सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। आवेदन आपको किस तरह से करना है, आवेदन करते वक्त दोस्तों आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, हस्ताक्षर है, वो किस साइज का होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने डिटेल से दिया है। अगर आप लाइब्रेरी या किसी अन्य पद पर भी आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर से चेक करें। इसका PDF दोस्तों आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वैकेंसी संबंधित अगर हम बात करें तो यह वैकेंसी आपकी ओनली 1 साल के लिए रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर यह पोस्टें निकाली गई हैं, तो दोस्तों यह आपको बता दें कि यह आपकी 1 साल के लिए रहने वाली है। इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने यह नोटिफिकेशन में पहले ही बोल रखा है कि यहाँ पर आपको यह 1 वर्ष के लिए रखी गई है। यह नोटिफिकेशन आपका नेशनल रिमोट सेंसिव सेंटर हैदराबाद से जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन 13 मई 2023 को जारी किया गया था। इसके ऑनलाइन फॉर्म 13 मई 2023 से शुरू हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों 2 जून 2023, उससे पहले जो भी स्टूडेंट यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपकी कोई भी फीस नहीं रखी गई है, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, ओनली आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों शॉर्टलिस्ट किए गए विद्यार्थियों से सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वैकेंसी संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। खास तौर पर हमारे चैनल पर आपको लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी दी जाती है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में लाइब्रेरी संबंधित काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है, जिन पर मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वह वीडियो भी आप एक बार जरूर से चेक करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।